जिस सऊदी से भारत खरीदता था तेल, मोदी राज में अब उसी सऊदी की मदद करेगा भारत। G20 के तुरंत बाद कैसे बदला समीकरण? साल 2014 के बाद से देश में बहुत से बदलाव हुए। इन बदलावों का सीधा सरोकार आम जनता से है। तभी तो इसी जनता ने नरेंद्र मोदी को एक और मौका दिया और साल 2019 में उन्हें फिर से सत्ता में बिठाया। हाल ही में भारत ने जिस तरह से G20 समिट की सफल मेजबानी की, उसका फायदा न सिर्फ देश को आने वाले वक्त में होगा बल्कि इसका असर साल 2024 के चुनावों पर भी पड़ना तय है। 2024 में जनता का फैसला क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसने भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया है। G20 समिट के तुरंत बाद हालात कैसे बदले हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जो भारत अब तक तेल के लिए सऊदी अरब के ऊपर निर्भर था, वो अब खुद इस देश की मदद करेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई जिसके बाद ये सहमति बनी है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन भले ही रविवार को खत्म हो गया, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की राजकीय यात्रा पर रुक गए थे। सलमान के साथ उनके मंत्रियों और कारोबारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। सोमवार को पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। काफी देर चली ये मीटिंग, कई मायनों में खास रही। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में एनर्जी सेक्टर, व्यापार, निवेश, रक्षा, हेल्थ और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात बनी। बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत और सऊदी के बीच लगभग 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब 50 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डील भी हुई है। दरअसल भले ही भारत अब तक तेल के लिए सऊदी पर निर्भर था, लेकिन अब आने वाले वक्त में भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सऊदी को बड़ी मदद पहुंचाएगा। भारत और सऊदी के बीच ये कैसे मुमकिन होगा और इस पर क्या कुछ बातचीत हुई, अब जरा इसे विस्तार से समझिए। भारत सऊदी अरब के बीच क्या बात हुई? दोनों देश समुद्र के अंदर केबल के साथ पावर ग्रिड बनाने पर सहमत हुए हैं। भारत और सऊदी अरब ने बिजली ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के अंदर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा और एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन अब भारत भी सऊदी को ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराएगा। सवाल ये है कि ये काम कितना चुनौतीपूर्ण होगा और आगे की योजना पर कैसे काम हो पाएगा। क्या है आगे की योजना? अगर ये योजना साकार होती है तो पीएम मोदी के अति महत्वाकांक्षी वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड दृष्टिकोण में पहला ऑफशोर लिंक होगा। दुनिया में समुद्र के अंदर 485 बिजली केबल परिचालन में है, जिनमें सबसे लंबा यूके और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर लंबा वाइकिंग लिंक है। भारत ग्रीन एनर्जी किस तरह से निर्यात करेगा, अब ये भी जरा समझ लीजिए। आयात नहीं, निर्यात पर होगा फोकस। भारत के पास 5 मिलियन टन से कुछ ज्यादा का रणनीतिक तेल भंडार है जो 3 स्थानों पर फैला हुआ है। इसके साथ ही कमर्शियल यूज के लिए एक जगह एलपीजी स्टोरेज भी है। मौजूदा वक्त में भारत बांग्लादेश और नेपाल को बिजली देता है, जबकि भूटान से बिजली आयात करता है। अब भारत म्यांमार और उससे आगे तक ग्रिड कनेक्टिविटी को विस्तार देने पर काम कर रहा है। अगर ये मुमकिन हो पाया तो फिर भारत सऊदी अरब और पड़ोसी यूएई को ग्रीन हाइड्रोजन भी निर्यात कर सकता है। भारत 2023 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का लक्ष्य बना रहा है और इसका एकमात्र लक्ष्य है ईंधन के लिए एक निर्यात केंद्र बनना। बहरहाल दशकों से चले आ रहे इस आयात को अब मोदी सरकार आयात निर्यात में तब्दील करने जा रही है, जिससे दुनिया भर के देश भारत की ताकत का एहसास कर सकेंगे। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।